थे उसमें 469 पंचायत जिला मंडी में थी। इस एडिशन की वजह से और जो रीऑर्गेनाइजेशन है उसकी वजह से अब 90 पंचायत हमारी जिला में बढ़ गई है और टोटल पंचायत हमारी अभी 559 है, जहाँ पर सभी पंचायतों में अब चुनाव जो है होने जा रहे हैं। जहाँ मतदाता सूची की बात है तो 559 पंचायत की, क्योंकि कुछ पंचायतें ऐसी थी जिनमें कोई चेंज नहीं था तो उसकी मतदाता सूची का प्रकाशन पहले हुआ हो चुका जो कि 5 नवंबर को किया गया, जिसमें 346 पंचायत थी हमारी। फिर उसके पश्चात 186 पंचायत का जो मतदाता सूची का प्रकाशन है वो 11 दिसंबर को किया गया और अंतिम जो बची हुई पंचायत थी हमारी 27 पंचायतें थी उनका अंतिम प्रकाशन 18 तारीख को किया गया। ये प्रकाशन जब हमारा इलेक्शन के पहले रिवीजन के बाद होता है उसके पश्चात जो भी एडिशंस होती है वो जिला स्तर पे यहाँ पर इस स्तर पे की जाती है, तो कोई भी व्यक्ति इससे अगर छूटा है तो वो हमारे पास, हमने डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर को ऑथराइज किया है और उनके पास लगातार काफ़ी एप्लीकेशंस आ रहे हैं। जैसे कि आपके साथ साझा पहले किया गया था 2 दिन पहले जब इलेक्शंस अनाउंस हुए थे कि जब इलेक्शंस अनाउंस होते हैं तो जो लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन है उसके बिफोर 9 डेज के पहले हमारे पास जितनी एप्लीकेशंस आती है वही एंटरटेन की जाती है। तो उसके फलस्वरूप आज 23 दिसंबर आखिरी दिन है, आज शाम तक हमारे पास जितनी एप्लीकेशंस आएंगी वही हमारी मतदाता सूची में जुड़ पाएंगी, बाकी इसके पश्चात इसके बाद हम उसको फाइनलाइज करेंगे और एडिशनल सप्लीमेंट्री लिस्ट हर पंचायत के लिए, हर वार्ड के लिए बनाई जाएगी। जो अब तक जो प्रकाशित हमारी मतदाता सूची है उसमें 7,47,050 कुल मतदाता हैं, जिसमें 3,71,345 पुरुष हैं और 3,75,705 महिलाएं हैं। जैसे मैंने पहले कहा इसमें एडिशंस अभी हो रही है, जैसे ही फाइनल हमारी लिस्ट आएगी तो अपडेटेड फिगर्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे, क्योंकि ये लिस्ट स्टेट इलेक्शन कमीशन के दिशा निर्देशानुसार ये बनाई जाती है। ये हमारी जो विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिस्ट के से कोई इसका तालमेल नहीं है, ये अलग लिस्ट होती है कम्प्लीटली और इसमें अपडेशन को लेकर हर 5 साल बाद इलेक्शन इसमें होते हैं तो अपडेशन भी उसमें उस तरह से होती है, तो काफ़ी एडिशंस वगैरह भी इसमें अब हो रही है। तो अपडेटेड जो फिगर होगी वो आपके साथ इसको शेयर करेंगे, ये हमारी नॉमिनेशंस के पहले वो चीज़ फाइनल हो जाएगी। कार्यक्रम की हम करें तो इलेक्शन का कार्यक्रम जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई किया, उसके फलस्वरूप हमने भी नोटिस जारी किया है जिसमें जो स्टेट इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शन थी कि मतदान जो है वो 3 चरणों में होना है, वो इट इज़ गोइंग टू टेक प्लेस ऑन 17th, 19th और 21st of January 2021। तो कौन सी पंचायत का कब होना है वो हमने नोटिस जारी किया है जो आपके साथ भी साझा किया गया। इसी क्रम में जो सबसे पहले कार्यक्रम होगा वो हमारे नॉमिनेशन का होगा। नॉमिनेशन की प्रक्रिया के लिए 3 दिन निर्धारित किए गए हैं, 31 दिसंबर 1 जनवरी और 2 जनवरी तो 3 दिनों के लिए जो नॉमिनेशन है वो रिस्पेक्टिव ARO's जिस जगह पर होंगे, जिस पंचायत मुख्यालय में अधिकतर रखे हैं या जिस स्थान पर रखे हैं जो हमने नोटिफिकेशन कल की थी वहाँ पर जाके अपना नामांकन वहाँ पर भर सकते हैं। नामांकन का समय सुबह 11 बजे से लेके दोपहर 3 बजे तक होगा 3 दिन के लिए। नॉमिनेशन के 3 दिन के बाद जो मंडे है 4 जनवरी उस दिन समीक्षा की जाएगी सभी नामांकन पत्रों की, ये सुबह 10 बजे से ये कार्य आरंभ होगा। जो ARO's हैं जो ROs हैं जितनी है जिसकी ड्यूटी जिस तरह से रहेगी नॉमिनेशन रिसीव करने की वही लोग उसका जो है समीक्षा उसकी करेंगे और उसके पश्चात 6 जनवरी को सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक समय रहेगा विड्रॉल के लिए, अगर कोई भी अपना नाम वापस लेना चाह रहा है तो उस समय में अपनी एप्लीकेशन उन कंसर्न अधिकारी को दे सकता है। 3 बजने के उपरांत इमीडिएटली हमारे लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स तैयार होगा हर स्तर पे और उनको सिंबल अलॉटमेंट भी उसी टाइम पे किया जाएगा। अगर चुनाव की ज़रूरत पड़ती है तो चुनाव जैसे मैंने पहले कहा 17, 19 और 21 तारीख को होने हैं, इसका समय जो है वो सुबह 8 बजे से लेके दोपहर 4 बजे तक रहेगा। पंचायत के वार्ड मेंबर्स
उसके साथ उप प्रधान और प्रधान, उसकी मतगणना जो उसके बाद होनी है वो उसी दिन जिस दिन चुनाव होते हैं उसी दिन उसके चुनाव के पश्चात, जैसे ही वोटिंग कंप्लीट होगी उसके बाद में उसकी काउंटिंग शुरू की जाएगी। क्रमवार उसकी काउंटिंग जैसे होते हैं टिल द टाइम इट इज कंप्लीटेड होती रहेगी। जहां पंचायत समिति और जिला परिषद की बात है, इसकी काउंटिंग 22 तारीख को स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा निर्धारित की गई है। तो 22 जनवरी को सुबह 8:30 बजे से ये प्रारंभ होगी। ये ब्लॉक हेडक्वार्टर्स में सब जगह पर की जाएगी, जहां पर की समिति की काउंटिंग भी की जाएगी, जिला परिषद भी काउंटिंग की जाएगी। और जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं कंसर्न, हमने यहाँ पर सभी रिटर्निंग ऑफिसर्स हमारे SDMC हैं। तो पंचायत समिति के लिए जिसको भी नाम करेंगे ERO को, मेरे तहसीलदार को ऑथराइज करेंगे तो वो वहाँ पर रिजल्ट घोषित करेंगे। और बाकी जिला परिषद की बात करें तो 36 वार्ड्स हैं, जैसे पहले भी थे अभी भी 36 वार्ड्स ही हैं। पंचायत समिति के हमारे 249 वार्ड्स हैं पूरे जिले में, और ग्राम पंचायत का जैसे मैंने कहा 559 कुल पंचायतें हैं। पंचायतों के स्तर की वार्ड्स की अगर हम बात करें तो 3,271 वार्ड्स हमारे पूरे जिले में होंगे। 3,271 वार्ड मेंबर्स इस इलेक्शन के में चुने जाने हैं पंचायत स्तर पे। 249 हमारे पंचायत समिति मेंबर्स और 36 जिला परिषद मेंबर्स, इतने सारे लोग जो है वो इस इलेक्शन के दौरान चुने जाए। इसमें जो आरक्षण हेतु हमने रोस्टर पहले जारी किया, आप लोगों से साझा किया, उसके डिटेल्स हमने इसमें जोड़ी हुई है, ये वैसे भी आपके पास पहले से है। एक जो अभी नोटिफिकेशन हुई थी उसमें हमारे एक धर्मपुर की प्रधान की जो नोटिफिकेशन है वो चैलेंज हुई है हाईकोर्ट में, और हाईकोर्ट ने उसमें स्टे दिया है, उसकी सुनवाई चली हुई है। तो जैसे उसमें जो निर्णय होगा उसके पश्चात धर्मपुर के प्रधान के इलेक्शन के अधिसूचना भी जारी होगी इलेक्शन कमीशन की, और उसके फलस्वरूप हमारी भी नोटिस उसमें जारी होगी। तो हमने जो नोटिस जारी की है इलेक्शन की उसमें धर्मपुर के प्रधान उसमें फिलहाल शामिल नहीं है, वो कोर्ट का स्टे है उसमें लगा कि वो सभी इकट्ठे जो प्रधान के जो रिजर्वेशन होता है वो एक दूसरे से लिंक्ड होता है, तो पूरा एक ही इसमें निकाला है। तो प्रधान के अलावा के जो बाकी ऑफिस वो हो जाएंगे, लेकिन प्रधान का भी मेरे ख्याल से समाधान शुड बी टेकन, जैसे कोर्ट का फैसला आएगा, बिकॉज कोर्ट ने स्टे दे रखा है तो इसके लिए कमीशन ने उसको नोटिफाई नहीं किया, तो जैसे कोर्ट का फैसला आ जाना चाहिए। ये जो पिछले कल की सूची प्रधान शामिल नहीं है, और इसका टोटल ब्रेकअप जो है अलग अलग जो श्रेणी के लिए जो आरक्षित हैं, जैसे आप जानते हैं कि 50% सीट्स जो है वो टोटल सीट्स में से महिलाओं के लिए आरक्षित हैं सभी कैटेगरीज में सभी लेवल्स पे। और उसी तरीके से जो SC ST के लिए रिजर्वेशन है, OBC के लिए रिजर्वेशन है, दैट इज़ बेस्ड ऑन दी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ SC ST OBC इन दैट रिस्पेक्टिव पंचायत इन दैट रिस्पेक्टिव ब्लॉक, उसके आधार पे उतने वार्ड्स उनके लिए रिजर्व हो रहे हैं। और जहाँ पर भी 5% से ज़्यादा जो कैटेगरी के लोग हैं तभी वहाँ पर रिजर्वेशन हो रही है, अगर 5% से कम है तो वहाँ पर रिजर्वेशन उस कैटेगरी की नहीं होती है। और कोविड को लेकर स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा भी क्लियर काफ़ी गाइडलाइंस जो है डिटेल गाइडलाइंस इशू की गई है पिछले कल, उसको भी धरातल पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उसमें सभी जो कोविड के नियम हैं उसका पालन सुनिश्चित किया जाएगा। जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की बात है उसमें क्लियर चीज़ें दी गई है कि एक टाइम पे जो प्रत्याशी है वो खुद या उसके साथ एक मेंबर, दो ही लोग एक साथ एक टाइम पे अंदर आएंगे, बाकी लोग अगर वहाँ पर आते हैं तो उनको चिट देके उनको बाहर बिठाया जाएगा और एक एक करके उनको बुलाया जाएगा। उसी तरीके से जो समीक्षा भी की जाएगी वो भी एक एक करके की जाएगी, एक एक इन द सेंस की एक वार्ड की एक बार की जाएगी, उसके बाद सब्सिक्वेंट वार्ड, तो बाकी लोग तब तक बाहर इंतजार करेंगे, जो प्रत्याशी है वही लोग अंदर, जिस वार्ड से संबंधित है वही लोग अंदर रहेंगे ताकि भीड़ को कम किया जाए। लाइकवाइज जिला परिषद के लिए भी और सभी जगह पर इस तरह से डिटेल गाइडलाइंस SOPs स्टेट इलेक्शन कमीशन ने इशू की, एंड वी विल बी फॉलोइंग दैट एट ग्राउंड लेवल ताकि कोई इलेक्शन में दिक्कत ना आए। तो मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से अपील करूँगा कि वी इंटेंड टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, और सभी लोग इस तरह का इलेक्शन कंडक्ट करने में हमारा सहयोग करें। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हमारा सभी जगह पर लागू है जहाँ पर भी इलेक्शंस होने हैं, और उसको उसमें भी डिटेल गाइडलाइंस स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा इशू किए गए हैं। वी हैव सर्कुलेटेड टू ऑल डिपार्टमेंट्स ऑल कंसर्न फॉर स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन, अगर कोई वायलेशन पाई जाती है तो एज पर लॉ उसमें एक्शन लिया जाएगा।
सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि हमारा इसमें सहयोग करें, विशेषतः हमारा सहयोग कोविड को लेकर करें, क्योंकि कोविड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा है कि हमारे केसेस हाल ही में थोड़े से कम हुए हैं, विच इज़ अ गुड साइन। जब से रिस्ट्रिक्शंस बढ़ी है, जब से थोड़ा जो मैरिजेस जो है वो कम हुई है, तब से कोविड में भी थोड़ी सी स्थिति इम्प्रूव हुई है, पर तो भी खतरा उतना ही है, उतना बरकरार खतरा है, चला है। और इसको देखते हुए हमें सावधानी बरतनी है, किसी भी सूरत में हम अपने हेल्थ पैरामीटर्स को कॉम्प्रोमाइज ना करें कि बहुत ज़्यादा भीड़ कर ले या हम बिल्कुल ही मास्क अपना छोड़ दें। तो बेसिक प्रिकॉशंस सबने लेनी है कि हमेशा जो प्रत्याशी है बीपी, अगर वो कन्वर्सिंग करेंगे तो मास्क पहन के हमेशा रहें, बाकी लोग भी जो चर्चा करें जहाँ पर भी बातचीत करनी है मास्क पहन कर ही करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हैंड वॉश, ये बेसिक चीज़ें हैं वो सभी लोग फॉलो करें। कुल इलेक्शन भी करा सकते हैं और जो कोविड के जो इश्यूज है उसको भी कंट्रोल में रख सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपके माध्यम से सभी लोगों का इसमें सहयोग चाहूँगा। ऑर्डर्स इशू किए हैं, एक जब 17 तारीख को हमारे नगर निकाय के जो चुनाव घोषित किए थे उन्होंने तब कहा था कि भी उन क्षेत्र में आचार संहिता लागू हो जाएगी विद इमीडिएट इफेक्ट। और जब दूसरे बार अब पंचायत के चुनाव किए तो जहाँ पर भी पंचायत के चुनाव की घोषणा जहाँ पर की है स्टेट इलेक्शन कमीशन ने, वहाँ पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इमीडिएटली लागू होता है। तो जहाँ पर इलेक्शंस नहीं है वहाँ पर अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अभी सिर्फ मंडी शहर शहर में नहीं है, शहर में स्टेट इलेक्शन कमीशन से टेकअप कर लेंगे, बिकॉज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज नॉट ओनली अबाउट होल्डिंग्स, इट इज अबाउट लॉट ऑफ अदर थिंग्स, बाकी एक्टिविटीज भी है, बाकी डेवलपमेंट एक्टिविटीज भी है। तो दैट डिसीजन हैज टू बी टेकन, अगर वैसा डिसीजन आता है कुछ इस तरीके डायरेक्शन आते हैं तो वी विल हैव इट इंप्लीमेंटेड, जो भी स्टेट इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शन है वी विल इंप्लीमेंट इट इन लेटरेंस बिल। अभी ट्रेनिंग्स का भी वर्कआउट कर रहे हैं, वर्चुअली तो नहीं महसूस हो रही है, हम फिजिकली कर लेंगे, बिकॉज ट्रेनिंग जो इसकी इनकी करेंगे, एक तो सबसे पहले हमें ट्रेनिंग करनी पड़ेगी ARO's की, जो असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर है जो हर पंचायत में बैठेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा नहीं है कि हर ब्लॉक में 50-50 के करीब रहेंगे, तो उतना सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उनकी थॉरो ट्रेनिंग की जा सकती है। और ये बड़ा क्रिटिकल फेज होता है नॉमिनेशन की प्रक्रिया, क्योंकि उसमें डिसीजन मेकिंग होता है, एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है नॉमिनेशन को, किस ग्राउंड पे लेना है, बाकी चीज़ें लेनी है, तो इट इज़ सेंसिटिव प्रोसेस ऑल्सो, और उसको करने के लिए कुछ लोगों के मन में डाउट भी हो सकते हैं, तो वी विल ट्राई टू ऑर्गेनाइज इट इन, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग नहीं हो रहे, 50 से ज़्यादा लोग कहीं ज़्यादा हो नहीं रहे, अगर ज़्यादा महसूस हो रहा है तो दे कैन ब्रेक इट अप इनटू बैचेस ऑफ 25। मैंने सभी SDM साहिबान से बात की है एंड वी विल बी ऑर्गेनाइजिंग द ट्रेनिंग्स, मेरे ख्याल से 25 के बाद 26-27 से कुछ इस तरह से हमारी ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज होगी, क्योंकि जो SDMs हमारे हैं कुछ जगह पर वो नगर निकाय के लिए भी रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, तो वो उस टाइम पे बिजी रहेंगे जहाँ जो नगर निकाय की जो इलेक्शन है 24, 26 और 28 को जो नॉमिनेशन होने हैं, तो दे विल बी बिजी ऑन दोस डेट्स, तो बाकी डेट्स को अरेंज करके अलग अलग जगह पर उस तरह ट्रेनिंग की जाएगी, बट वी विल इंश्योर उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वी विल इंश्योर डिस्टेंसिंग और ब्रेक में उनको ट्रेनिंग कराएंगे, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ द ARO's। जहाँ दूसरे की बात है, जहाँ पोलिंग पार्टीज की बात है, उनकी ट्रेनिंग की बात है, दैट वी विल टेक अप सब्सिक्वेंटली, वो लगभग 6 तारीख के बाद हमारी ट्रेनिंग्स उसमें होंगी, तो उसमें दूरियाँ वगैरह देखना पड़ेगा कि कितने लोग एक जगह पर हो रहे हैं, तो उनको भी बैचेज में बुलाकर या वर्चुअली इफ पॉसिबल अगर हो सकता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इस गाइडलाइन में है कोविड को विशेषता लेकर, इट हैज बीन फिक्स्ड ऑन द डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर दैट इज द DC, तो हम इनकी रहने की व्यवस्था वहाँ पर इंश्योर करा देंगे, हर साल वैसे हम करते ही हैं, पर दिस टाइम कोविड को ध्यान में रखते हुए उस तरह की व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी, विशेषता सेपरेशन को लेकर, अदरवाइज वहाँ पर अरेंजमेंट अदरवाइज भी की जाती है, पर पंचायत सेक्रेटरी और उनके माध्यम से वहाँ पर रहने की व्यवस्था हम हर पंचायत में वहीं पर करें, क्योंकि उनको एक दिन पहले वहाँ पर जाना पड़ेगा, पर वहाँ पर ये भी देखना पड़ेगा कि जो रहते हैं वहाँ पर कोई पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी ना खड़ी हो जाए कि वो किसके साथ है ना, तो दोस थिंग्स आर ऑलवेज टेकन इनटू अकाउंट जब उनके लिए रहने की व्यवस्था की जाती है, बट दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी।